अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेटफॉर्म से, और आज हम जिस प्रोडक्ट को स्पॉटलाइट करने जा रहे हैं वो है हायर का वॉल माउंट स्प्लिट यूनिट। एचजे यूवी सीरीज में अवेलेबल है। हायर एचजे सीरीज में एक पहले भी मॉडल दे चुका है, वो प्योरी इन्वर्टर था, वो एयर को प्योरीफाई करता था। इसके अलावा उसमें बहुत सारे फीचर्स थे। तो ये एक यूवी सीरीज का एक नया लाइनअप इसने दिया है। इस लाइनअप में दो मॉडल्स अवेलेबल हैं फिलहाल, एक 1 टन में और दूसरा 1.5 टन में। और अगर इसकी हीटिंग और कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 टन यानी कि 12,000 BTU और 1.5 टन 18,000 BTU कहा जाता है। तो इस प्रोडक्ट के मेन फीचर्स बताने से पहले मैं आपको इसका एक रिव्यू देता हूँ कि ये प्रोडक्ट देखने में कैसी लगती है, क्योंकि देखने के बाद ही आप डिसीजन लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या रागब होते हैं। तो देखने में आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी? इसका गोल्डन कलर और इसकी जो ग्लॉसी फिनिशिंग है, मैं जरा करीब से आपको दिखा दूं। ये देखिए साइड से देखने में कितना खूबसूरत लगता है, और ये इसकी ग्लॉसी फिनिशिंग काफी शाइनी है, रॉयल लुक देती है। और ये जो एचजे यूवी सीरीज है ये सिर्फ एक ही कलर यानी कि गोल्डन कलर में अवेलेबल है। तो अगर इसके मेन फीचर्स की बात की जाए तो ये टाइप डीसी इन्वर्टर में आता है, हीट एंड कूल है, और इसके अलावा वाईफाई एनेबल्ड है। इस एसी को आप यूपीएस पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक एडिशनल जो इन्वर्टर डिवाइस है वो लगानी पड़ेगी। गोल्डन फिन्स में है जो कि इसको रस्ट लगने से महफूज रखती है, ऐसे एरिया जो समंदर के करीब है जैसे कि हमारे कराची। और ये हिडन एलईडी के साथ आता है। ये तो एक जनरल से फीचर्स हो गए जो सभी एसीज में तकरीबन आते हैं। तो कौन से ऐसे फीचर्स जो इस मॉडल को बाकी मॉडल से मुमताज बनाते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें है इसका एक यूवी जनरेटर और इसका सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको बाकी मॉडल से डिफ्रेंशिएट करते हैं या इसे मुमताज बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूवी जनरेटर की, कि ये यूवी जनरेटर है क्या। ये यूवी जनरेटर बेसिकली इसके जो एवेपोरेटर है, जो आपके इंडोर यूनिट में आपने एवेपोरेटर देखा होगा, मैं आपको जरा करीब से भी दिखाऊंगा। इसके इर्द गिर्द जो डर्ट इकट्ठी होती है उसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया टाइम के साथ पैदा होना शुरू हो जाता है, वो इसको किल करता है 99.9% तक। ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ इसका एवेपोरेटर। ये मैं जरा ग्रिल, जो फ्रंट ग्रिल है, इसको रिमूव करता हूँ। ये देखिएगा आप, ये एवेपोरेटर है, इसकी बैक पे आपको कंडेंसर पाइप भी नजर आ रहे होंगे। अब क्योंकि यहां से जब हवा जो है वो सर्कुलेट करती है, ये इनलेट है, पूरे रूम की जो एयर है वो यहां सर्कुलेट करेगी, उस एयर में मौजूद जो डर्ट होती है टाइम के साथ वहां जो है बैक्टीरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जो कि यूवी लाइट है यहां से निकलती है, पूरे इस एवेपोरेटर पे रहती है, वो इस बैक्टीरिया को किल कर देती है। और ये यूवी जनरेशन एक टैगलाइन नहीं है, एक मार्केटिंग टैगलाइन नहीं है हायर की, बल्कि हायर ने इस पर एक सर्टिफिकेशन भी ली हुई है। टेक्सल एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिसर्च के मुताबिक इसमें दिया गया यूवी जनरेटर जो है 99.9% बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है, और इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो हायर ने ली हुई है। और दूसरा इसका अहम फीचर वो है इसकी सेल्फ क्लीनिंग, जो कि हायर ने इसको पेटेंट कराया है पाकिस्तान में, और इस टेक्नोलॉजी को हायर कोल्ड एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी कहता है। इसकी सर्टिफिकेशन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ली हुई है। ये सेल्फ क्लीनिंग किस तरह काम करता है, ये फंक्शन होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इंडोर को देखिएगा, इसमें से एक होता है ये आउटलेट जहां से के हवा बाहर आती है, और ये एक इनलेट है जहां से ये एसी अपना सांस लेता है। आपको मैं जरा ऊपर से दिखा देता हूं यहां से। अब होता क्या है कि हवा में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या डर्ट हैं वो एवेपोरेटर पे आके जमना शुरू हो जाती है, अगर वक्त के साथ इसकी सफाई ना की जाए तो ये एक्यूमुलेट हो जाती है। तो हायर ने अपने एसी में एक ऐसा फंक्शन दिया जो सेल्फ क्लीनिंग का है। उसमें होता क्या है, तो रिमोट पे मौजूद जब आप सेल्फ क्लीनिंग के बटन को प्रेस करते हैं तो होता यह है कि एवेपोरेटर पे मौजूद जो भी यहां डर्ट होगा
अपनी ह्यूमिडिटी के साथ वो फ्रीजिंग की लाइक फ्रीजिंग पॉइंट पे जाके फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाती है, और उसके बाद 46 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होने के बाद जो जितना भी मवाद होता है जिसमें डर्ट होती है, बैक्टीरिया होती है, वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो इन फीचर्स के बाद हम बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो हायर अपने एसीज पे 10 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी, 4 ईयर पीसी बोर्ड की वारंटी और 1 ईयर पार्ट्स की वारंटी देता है। इसके अलावा हायर ने अपनी एसी इंस्टॉलेशन की फ्री कैंपेन भी शुरू की हुई है। अगर बात की जाए आज की, तो आज है 20 अप्रैल 2022। मैं करीब से आपको इनका यूएएन नंबर दिखा देता हूँ। अगर इस मॉडल की प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का एड्रेस और हमारा जो एक व्हाट्सएप नंबर है वो दे दूंगा, आप वहां जाके अपनी क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हैं। आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।